इतने बजे शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला। इन शानदार खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर होगी भारतीय टीम की कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम घोषित कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या रणनीति दोनों टीमों की रहेगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह सीरीज कब शुरू होगी और इस सीरीज को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और इस सीरीज के पहले मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 टीम इंडिया की रहेगी। तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर टीम इंडिया की स्क्वाड के बारे में। तो यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान जो कि हरमनप्रीत कौर है, तो इसके अलावा टीम में समृद्धि मंदाना, शेफाली वर्मा, यशिका भाटी भी टीम का हिस्सा है। तो वहीं पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर रिचा घोष टीम इंडिया का हिस्सा रहेगी। तो वहीं पर जेमिमा रोड्रिग्ज भी टीम में शामिल है। पूजा वास्तुकार, दीप्ति शर्मा, इसके साथ ही राधा यादव, इसके साथ ही यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड़, रिंकू सिंह ठाकुर, इसके साथ ही शिखा पांड्या, देविका वेद और अर्लिन डॉल, अंजलि शेरवानी भी टीम का हिस्सा है जो इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम के कप्तान जो कि बिस्मा महरूफ भी शानदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी और इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस करेगी। जहाँ पर पाकिस्तान की टीम में फातिमा सन्ना जैसा दमदार खिलाड़ी मौजूद रहेगा, तो वहीं पर सिद्रा नवाब भी टीम का हिस्सा है जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज है। तो ऐसे में यहां पर पाकिस्तान की टीम भी दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरेगी। वैसे यहां पर भारतीय टीम में शानदार खिलाड़ी मौजूद है, ओपनर बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजी में काफ़ी दम है। हम बात करें प्लेइंग 11 के बारे में, तो प्लेइंग 11 में टीम इंडिया की तरफ से यशिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, समृद्धि मंदाना जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। तो वहीं पर विकेट कीपर के रूप में रिचा घोष टीम इंडिया का हिस्सा रहेगी। तो वहीं पर देविका वेद, राधा यादव, इसके साथ ही राजेश्वरी गायकवाड़ को पहले टी20 मुकाबले में मौका मिलेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को किस प्लेइंग 11 के साथ पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर उतरना चाहिए और आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया पहले मुकाबले में शानदार आगाज कर पाएगी। अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।